हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने यूट्यूब चैनल का नाम और अपने जीमेल का डिस्प्ले नेम अलग अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मैंने रखा है ग्रोट्यूब, और इससे जो मैं मेल करती हूँ वो जाता है किसी और नाम से। तो पहले हम चेक करते हैं कि वो मेल किस नाम से जाता है। मैंने कंपोज किया और यहाँ पर मैंने किसी को मेल किया और मैंने यहाँ पर हाय मैसेज लिखा, सॉरी हाय, और यहाँ पर आके मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। देन आई सेंड दिस मेल, और जिस रिसीवर को ये मेल पहुँचा वहाँ जाके मैंने इसको रिफ़्रेश किया दूसरे मेल आईडी पे, और ये जो मेल है वो हम देखते हैं कि किस नाम से पहुँच रहा है। तो ये चार्ली चैपलिन के नाम से पहुँच रहा है। अब हम इस नाम को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ जाएंगे सेटिंग पे जीमेल की, देन सेटिंग्स। सेटिंग्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ टैब्स खुलेंगी। इन टैब्स में अकाउंट एंड इंपोर्ट टैब को हम क्लिक करेंगे। देन हम जाएंगे सेंड मेल एज, यहाँ पर एडिट इन्फो आ रही है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आएगा कि आप किस नाम से, चैनल के नाम से भेजना चाहते हैं या आप, मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देती हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ चार्ली चार्ली, और मैं यहाँ डाल देती हूँ चार्ली 007 नाम से ये मेल जाए। तो सेव मैंने इसको कर दिया। अब मैं देखती हूँ, यहाँ पर फिर से कंपोज करती हूँ और फिर से किसी को मेल करके देखती हूँ कि अब ये मेल किस नाम से जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया, देन सेंड। जिसको मैंने मेल भेजा है उसका मैं रिफ़्रेश करके देखती हूँ। तो ये चार्ली 007 से नाम चेंज हो गया। तो आप जिस जो भी डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं। और आपने अगर अपने जीमेल आईडी से ही अपना चैनल खोल लिया है तो आप अपने चैनल का नाम कुछ और रख सकते हैं और जीमेल का डिस्प्ले नेम कुछ और रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।